आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जीतन राम मांझी के मुताबिक इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों तक पैसा नहीं पहुंच पाता। मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले की शिकायत की है और इस पर बीजेपी ने बिहार सरकार पर निशाना भी साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने जीतन राम मांझी बिहार के प्रति गंभीर है, लिहाजा उन्होंने गृहमंत्री से शिकायत की है। राम मांझी जी बिहार के सबसे बुजुर्ग नेता हैं। जब बिहार के वो मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनको बहुत अपमानित करके कुर्सी से हटाया गया। आज वो भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी से मुलाकात करके बिहार के विकास के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करने गए हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा और बिहार में राष्ट्रवादियों का सम्मान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलने गए हैं। जीतन राम मांझी जी बिहार के सबसे बुजुर्ग नेता हैं।